दोस्तों, मेरा नाम चिंचिंचू। फ्रेंड्स, इस ट्रेंडिंग गाने को सुनकर मुझे मैकडोनल्ड के चटपटे चुनचुनाते टिक्की नॉन की याद आ गई। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैकडोनल्ड की यह सीक्रेट टिक्की नॉन की रेसिपी। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल संगीता विश्वरूप को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में प्लीज बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे रोज की एक नई रेसिपी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो आइए फ्रेंड्स, चटपटा टिक्की नॉन बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम नॉन का डो प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप मैदा। इसमें हम मिक्स करते हैं थोड़ा सा नमक और साथ में हम इसमें मिक्स करेंगे 1 छोटा चम्मच कलौंजी। और कलौंजी डालने के बाद अब हम इसमें मिक्स करेंगे 1/2 छोटा चम्मच खाने का सोडा लिया है और साथ में मैं ले रही हूँ 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। सबको मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें मिक्स करते हैं 1 चम्मच तेल और साथ में मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ, ये मैंने 2 चम्मच दही लिया है, दही को हम इसमें मिक्स कर देते हैं। और अब थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका पराठे की तरह डो प्रिपेयर करेंगे। ये हमारा डो प्रिपेयर हो गया है और अब हम इसको 1/2 घंटे के लिए रेस्ट देते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नान का डो जब रेस्ट कर रहा है तब तक हम यहाँ पर टिक्की बनाते हैं। टिक्की बनाने के लिए मैंने 4 आलू को बॉईल करके मैश कर लिया है और अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर हम इसमें डालेंगे और साथ में हम इसमें डालते हैं थोड़ा चाट मसाला या अमचूर पाउडर। और अब मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ ग्रीन चिली बारीक कट करके, हरी मिर्च इसमें हम मिक्स कर देते हैं और अब हम इसमें थोड़ा सा अदरक ग्रेट करते हैं, फ्रेश ग्रेट किया हुआ अदरक मिक्स करते हैं। बहुत ही अच्छे अदरक की खुशबू आती है इस तरह से बारीक ग्रेट करते हैं तो। और अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा स्वादानुसार नमक और अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए डालेंगे 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिए हैं और अब हम इसकी बड़ी साइज की टिक्की बनाएंगे। इस तरह से थोड़ी बड़ी साइज की और थोड़ी सी फ्लैट टिक्की हम बनाएंगे। इस तरह से ये हमने बड़े साइज की टिक्की रेडी कर ली है और अब हम टिक्की को कॉर्नफ्लोर से अच्छी तरह से कोट करेंगे। आप चाहे तो इसे मैदे की स्लरी से और ब्रेड क्रम से भी कोट कर सकते हैं और इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर है इसको हटा देंगे और फिर हम इसको आप गरम तेल में फ्राई करेंगे। मैं यहाँ पर शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। टिक्की को मैंने दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई कर लिया है और अब इसी तरह से बाकी टिक्की कर लेती हूँ, इसको मैं निकाल लूंगी। फ्रेंड्स, टिक्की हमारी रेडी है और नान का डो भी रेडी हो गया है। अब हम इसको थोड़ा तेल लगा लेते हैं फिर नान बनाएंगे। तेल लगाकर एक बार अच्छी तरह से डो को नीड कर लिया है और अब हम इसमें से लोई बनाते हैं। अब लोई को हम थोड़ा सा मैदा लगा लेते हैं और इसको हम ओवल शेप में बेलेंगे। इस तरह से नान को ओवल शेप में बेल लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने तवा गरम कर लिया है, इस पर अब हम नान को सेकेंगे। थोड़े थोड़े से बबल्स आने लग गए हैं, इसको दूसरी साइड से भी हम सेक लेते हैं। फ्रेंड्स, दोनों साइड से हमें थोड़ा थोड़ा सेकना है, एकदम बहुत ज्यादा क्रिस्पी नहीं करना है। अब ये नान रेडी है, इसे मैं निकाल लेती हूँ और इसी तरह से हम दूसरा नान भी तैयार करेंगे। ये हमारे नान और टिक्की रेडी है, अब हम एक डिप बनाते हैं। डिप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 चम्मच मेयोनीज और अब मैं इसमें 2 चम्मच केचप मिक्स करती हूँ और अब हम इसमें थोड़ा सा ये मैं सांभर मसाला घर का बना हुआ ले रही हूँ, रेसिपी आपके साथ शेयर की है, या फिर आप रसम मसाला भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। ये हमारा फ्लेवरफुल डिप रेडी है। अब ये हमारे रेडी किए हुए नान पर हम थोड़ा सा सॉस लगाते हैं। पहले सॉस लगाने के बाद अब हम इस पर टिक्की रखेंगे और उसके ऊपर हम रखेंगे थोड़े से अनियन के स्लाइस
और अब हम इस पोर्शन को हाफ फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ग्रिलर पैन गरम करने के लिए रखा है, इस पर हम थोड़ा सा बटर लगाएंगे और अब हम इस पर ये हमारी नान रखेंगे। ऊपर से भी हम थोड़ा बटर लगाएंगे। आप चाहे तो इसे सैंडविच मेकर में भी बना सकते हैं। और इसको हम थोड़ा प्रेस करके और इस पर ग्रिल इफेक्ट देंगे। इस तरह से प्रेस करते हैं, इसको मैंने पलट दिया है और दूसरी तरफ से भी हम थोड़ा दबाकर ग्रिल इफेक्ट देंगे। तो फ्रेंड्स, रेडी है हमारे मैकडॉनल्ड स्टाइल टिक्की नान। मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ।